स्वागत है, देखते हैं आज की खास खबर। साधारण कार्यकर्ता से मंत्री तक का संघर्ष, नितिन गडकरी। जी हां, एक छोटे से गांव धोपेवाड़ा के रहने वाले नितिन गडकरी जी का देश के केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर। उनका जन्म 27 मई 1957 में नागपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका पैतृक गांव जिले की कलमेश्वर तहसील के धोपेवाड़ा गांव में है। वे कॉमर्स में स्नातकोत्तर है। इसके अलावा उन्होंने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। 1976 में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बाद में वह 23 साल की उम्र भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की खूबी की वजह से ही वे सदा अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे। अब जानते हैं कि कब कब नितिन गडकरी जी जीते चुनाव। नितिन गडकरी जी को 1989 में पहली बार विधान परिषद के लिए चुना गया था। इसके बाद वह 20 वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य रहे। आखिरी बार 2008 में वह विधान परिषद के लिए चुने गए थे। गडकरी जी महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। इसके अलावा 2001 में नितिन गडकरी जी को भारतीय जनता पार्टी के 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था। और तो और 52 वर्ष की आयु में ही नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं। 1995 में उनको राज्य में शिवसेना भाजपा की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाया गया था और वे 4 साल तक मंत्री पद पर रहे। 1990 में उनको पहली बार विधान परिषद के लिए चुना गया था। हालांकि उससे पहले 1983 में वे चुनाव हार गए थे। 2014 में गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। इसमें उन्होंने कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार को हराया था। वे महाराष्ट्र सरकार में 1995 से 1999 तक पीडब्ल्यूडी में मंत्री के पद पर रहे। वे देश के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उस वक्त उन्होंने नव निर्माण अध्यक्ष राजनाथ सिंह की जगह ली थी। अब गडकरी ने दोबारा शपथ ली है। प्रधानमंत्री के रूप में गुरुवार को नरेंद्र मोदी के दूसरी बार शपथ लेने के बाद राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही तीसरे नंबर पर शहर से दूसरी बार सांसद बने। नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। एक साधारण कार्यकर्ता से 2 बार केंद्रीय मंत्री बनने तक के संघर्ष का फल उन्हें फिर एक बार मिला है। मोदी सरकार में यदि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली मंत्रियों की गिनती की जाए तो उसमें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के रूप में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। नितिन गडकरी ने अपना व्यक्तित्व जाना पहचाना कराया है। उनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जाना पहचाना है। वे RSS के भी चहेते माने जाते हैं क्योंकि वे संघ के एक प्रतिबद्ध और निष्ठावान स्वयंसेवक है। उनके पिता जहां संघ के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, वही माता एक प्रसिद्ध प्रचारक थी। गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। विवादों से भी उनका रिश्ता रहा है। लोकसभा के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के लिए वो विवादों में घिर चुके थे और चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।